तो वेलकम बैक गाइज, एक और फिर से धमाकेदार वीडियो गाइज। इस वीडियो में हम क्लास 10वीं का जो विषय हिंदी का पेपर है वो गाइज पूरा का पूरा हम रियल लेकर आ चुके हैं। सो गाइज आपको वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर है वो गाइज पूरा का पूरा रियल लेकर आ चुके हैं। देख लीजिए यहाँ पर आपका सीरियल नंबर आप अपने मिला लीजिए, पेपर से बिल्कुल पैसे के पैसे ही आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपका पेपर है वो गाइज अभी अभी लेट हो चुका है, जहाँ से हमने मंगवाया वहाँ से थोड़ी लेट आया पेपर, इसलिए हमने सोचा आपको रात में ही प्रोवाइड करा दिया जाए। सो गाइज आपका सुबह पेपर है, इसलिए हमने सोचा अभी रात में ही डाल दिया जाए। सो चलिए गाइस यहाँ पर आपका पूरा का पूरा पेपर देखने वाले हैं और गाइस साथ में सॉल्यूशन भी। सो गाइस यहाँ पर आपको सॉल्यूशन और पूरा का पूरा जो पेपर देखने को मिलने वाला है। सो गाइस आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, ताकि आपको जो पेपर है पूरा का पूरा इसी वीडियो में याद हो जाए। सो देख लीजिए यहाँ पर आपका पेपर कुछ इस तरह का रहने वाला है। सो गाइस देख लीजिए यहाँ पर कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022 हिंदी 401 आपका हिंदी का पेपर का कोड रहने वाला है। माध्यम हिंदी आपका यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या 30 रहने वाली, और आपके पास समय 3 घंटे का, और यहाँ पर जो पृष्ठों की संख्या वो 8 है और पूर्णांक आपका 75 का है। चलिए गाइस यहाँ पर पूरे पूरे आप अच्छे से निर्देश पढ़ लेना। तो गाइस अगर आपने अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम सभी सब्जेक्ट के जो आपके पेपर हैं वो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराने वाले हैं। चलिए गाइस यहाँ पर आपका पेपर पूरा का पूरा देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, चलिए अब पूरे पूरे जो आपके पेपर हैं पूरे पूरे देख लेते हैं। यहाँ पर कई क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर सही विकल्प जो आपके यहाँ पर 6 अंक के आपके सही विकल्प है, सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 अंक के आपके सही विकल्प है। पहला है गोपियाँ किसे भड़भागी कह रही हैं। यहाँ पर गोपियाँ किसे भड़भागी कह रही हैं, कृष्ण को, खा ऑप्शन में दिया है स्वामी को, ग में औद्धव को, यहाँ पर सूरदास को। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। फिर कहीं दूसरा क्या कह रहा है, नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम था। यहाँ पर जो नेताजी की मूर्ति तैयार की गई थी उनके मूर्तिकार का नाम लिखना है आपको। ऑप्शन में का ऑप्शन में दिया हुआ है मोतीलाल, खा में दिया हुआ किशोरीलाल, और ग में दिया हुआ रामलाल, और घ में दिया हुआ श्यामलाल। सो गाइस आपको ये 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। फिर इसी तरह तीसरा आता है, भोलेनाथ के ललट पर कौन सा तिलक सुशोभित होता था। सो यहाँ पर पहला है केसर, यहाँ पर भभूत का, यहाँ पर कुमकुम का, चंदन का। सो गाइस ये आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। फिर गाइस आगे आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में। सो यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहा है, शांत रस का स्थायी भाव। शांत रस का स्थायी भाव गाइस आपको बनना चाहिए, बिल्कुल पूरा पूरा सरल है। यहाँ पर देख लीजिए समास के प्रकार, समास के कितने प्रकार होते हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, 3, 4, 5, 6, कितने समास के प्रकार होते हैं, 3 होते हैं या 4 या 5 या 6 आपको बता देना। फिर छठवां क्या कह रहा है, निश्चय 384 निश्चय कौन सी संधि है। यहाँ पर आपको स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, कि व्यंजन संधि है। इस प्रकार आपके गाइस जो 6 सही विकल्प हमने पूरे पूरे करा दिए। गाइस अगर आपने अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो चलिए यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो पेपर है वो गाइस अभी अभी हमारे पास आया है, हम सोचा आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। सो गाइस ये पेपर पूरा का पूरा आपका कल जो सुबह आप पेपर देने जाएंगे तो गाइस बिल्कुल यही रखा मिलने वाला है। सो यहाँ पर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति की दिए गए शब्दों से कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों में ऑप्शन में दिए हुए हैं 2 ऑप्शन। सो गाइस आपको इन्हीं के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सूरदास जी मुख्यतः डोर रस के कवि थे, श्रृंगार रस के थे, बासल आपको बता दें। जो आपके रिक्त स्थान है वो 7 अंक के हैं। देख लीजिए यहाँ पर सातों के सातों रिक्त स्थान देखने वाले हैं। पहला, सूरदास जी मुख्यतः डोर रस के कवि थे, श्रृंगार के, बासल के, आपको बता देना है। फिर है, कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने मन को डॉट डॉट का रूप दिया है, कौन से मन का रूप दिया है, भावरे गीतागार। यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान हो जाएगा। इसी तरह तीसरा है, सभापति का भाषण डॉट डॉट में छपा है, कई अखबारों में छपा, पत्रिका में। फिर चौथा है, भोलेनाथ का वास्तविक नाम डॉट डॉट था, क्या था वास्तविक नाम। फिर इसी तरह पाँचवा यहाँ पर छप के आ गया, देख लीजिए जो आपका पेपर छप के आया शिक्षा मंडल द्वारा वो यहाँ पर क्वेश्चन 5वां यहाँ पर हो गया, काव्य के मुख्यतः भेद होते हैं, काव्य के कितने भेद होते हैं, 2 या 3। यहाँ पर छठवां, प्रतिदिन ममी डॉट डॉट समास है, प्रतिदिन ममी डॉट डॉट समास है, प्रतिदिन में कौन सा समास है, तत्पुरुष या अव्यय भाव आपको बता देना है। यहाँ पर देख लीजिए 7वां क्या कह रहा है, संचारी भावों की संख्या डॉट डॉट होती है, कितनी होती है, 23, यहाँ पर 35, यहाँ पर आपको बता देना है। फिर तीसरे क्वेश्चन क्रमांक 3 में सही जोड़ी बनाई, यहाँ पर सही जोड़ी बनाना है आपको, जो कि 6 अंक की है। यहाँ पर गुड़ है, यहाँ पर सेवा करने वाला, माता का आंचल, यहाँ पर गद्य हमारी, यहाँ पर गद्य हमारी,
यहाँ पर जो रस काव्य की और जयशंकर प्रसाद की, आपको यहाँ पर बाप्स जो आपको बाखंड दिया हुआ है बा स्तंभ, इसमें आपको मिला देना है सही जोड़ियाँ। जो गाइस इसका सॉल्यूशन है वो गाइस हम आपको आधे घंटे के जो 30 मिनट के बाद आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड होने वाला है। सो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो इसका सॉल्यूशन है हम आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं। सो जल्द से जल्द आपको 30 मिनट के बाद इसका सॉल्यूशन आने वाला है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो सॉल्यूशन का वीडियो है जल्द से जल्द प्रोवाइड आपको होने वाला है। सो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। यहाँ पर चौथा कह रहा है सत्य असत्य लिखिए, यहाँ पर आपको सत्य सत्य लिखना है जो कि 6 अंक के है। चलिए आपके पूरे सत्य सत्य देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए जो आपके सत्य सत्य है, पहला है आत्मकथ कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, और दूसरा है यहाँ पर तीसरा है रामचरितमानस एक खंड है काव्य है, और पांचवा है एकांकी में 4 अंक होते हैं। यहाँ पर ये तो आपका सत्य होगा, एकांकी में 1 अंक होता है। यहाँ पर देख लीजिए छठवां है जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्विगु समास होता है, द्विगु समास होता है गाइस आपको बता देना है। फिर गाइस इस तरह आप अपने जो आपके सत्य सत्य है उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर गाइस यहाँ पर पांचवां आ जाता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है आपको। यहाँ पर आपके जो 7 अंक के एक वाक्य में है, यहाँ पर देख लीजिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में देना है जो कि आपके पूरे यहाँ पर है। पहला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इस तरह का इस यहाँ पर आपको जल्दी से इन एक वाक्य के उत्तरों को पूरा सॉल्यूशन का जो ये क्वेश्चन है इनके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जो सॉल्यूशन है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। सो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक छठवां सातवां है, सातवां है, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां। सो गाइस इस प्रश्नों के उत्तरों के हम सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। और गाइस क्वेश्चन आंसर भी हम आपको नेक्स्ट पार्ट में जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसमें हम आपको क्वेश्चन आंसर भी पूरे दिखाएंगे। सो गाइस जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जो पेपर है हम अगली वीडियो में पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ डालने वाले हैं। हमने सोचा कि आपको रियल पेपर प्रोवाइड करा दिया जाए। सो गाइस जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसे भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो डालने वाली है वो कक्षा 10वीं की हिंदी के पेपर की डालने वाली है। सो हिंदी का पेपर आपका सॉल्यूशन के साथ डालने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के पेपर के सॉल्यूशन के साथ।